वो फल होता हो वो अप्राप्त हो और कर्म करने से प्राप्त होता है, और एक फल ऐसा हो जो पहले से प्राप्त ही रहता है, केवल हमसे अप्राप्त मालूम पड़ता है। एक को कहेंगे काम, जो अप्राप्त भी प्राप्त होता है उसको काम कहेंगे, और जो मालूम पड़ते ही अपने में अनुभव होने लग जाए कि ये तो मुझे प्राप्त ही है, इसके लिए सारी बातें हम सुना सकते हैं। प्रयोजन, इसको प्रयोजन बोलते हैं, प्रयोजन। माकर्म फल हेतु के साथ ये अर्थ करने से माते संगो सुकर्मणि और माकर्म फल हेतु माते संगो सुकर्मणि, तो ये दोनों की संगति तो इसके साथ नहीं बैठेगी। माने अपने में कर्तृत्व का आरोप मत करो, ये तो हो गया मां कर्म फल हेतु भोग, और माते संगो सुकर्मणि ये हो गया निकम्मा पर, निकम्मे मत रहो, कर्तापन का अभिमान मत करो और अनाशक्ति मत रखो। तो तीन बात तो हो गई, निकम्मेपन को और कर्तापन के अभिमान को और अनाशक्ति को, तीन बात तो हो गई छोड़ने की, और एक बात हो गई करने की। तो करने में हम जो काम कर रहे हैं वो जो भी हम चाहते हैं उसको हम एक दृष्टि से देखते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि भगवान में हमारा मन लगे, तो क्या भगवान यही नहीं है, इसी समय नहीं है, यही नहीं है? तो निष्काम होते ही जहाँ हम मां फलेश उपासना छोड़कर कर्म करेंगे वहाँ हमको पहले से ही प्राप्त के रूप में भगवान का अनुभव होगा। अब अंतकरण शुद्धि चाहते हैं, तो सुषुप्ति काल में तो किसी से पाप होता नहीं, न पाप न पुण्य, और स्वप्न काल में भी पाप और पुण्य होता नहीं, दो अवस्था तो हुआ गई। अब रह गई जागृत, इसमें यदि 50% मान लें दोनों को, क्या होता 50-50 दोनों को मान लें तो जागृत अवस्था में रह गया 50। अब उस 50 को भी हम देखें तो प्रत्येक वृत्ति की संधि होती है, घटाकार वृत्ति हुई तो घटाकार वृत्ति हुई, स्त्री आई फिर पुरुष आया, माँ आई फिर पत्नी आई, फिर बेटी आई फिर बहन आई। तो हम कर्म जो करते हैं वो ये जो फालतू चीजें हमारे मन में भर गई हैं उनको निकालने के लिए ही करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं। ईश्वर भी हमको नित्य प्राप्त है, आत्मा भी नित्य प्राप्त है, ब्रह्म भी नित्य प्राप्त है, यहाँ तक कि हमका कर्म शुद्धि भी नित्य प्राप्त है। इसमें जो अप्राप्ति का भ्रम है उसको दूर करने में हमारे कर्म सहायक होने चाहिए। तो वो कैसे सहायक होते हैं? एक तो बुराई को छोड़कर, निकम्मेपन को छोड़ना पहली बात है, फिर बुराई को छोड़ना दूसरी बात है, फिर अच्छाई को पकड़ना तीसरी बात, फिर कर्तापन का अभिमान छूटना ये चौथी बात है, और फिर उस कर्म का जो फल आता है वो फल कर्म से मिला है असल में ये बात नहीं है, वो हो रहा है प्रकृति में स्वाभाविक, हम अपने कर्म के साथ उसका संबंध जोड़ लेते हैं। तो कभी कभी मिले कभी न मिले ऐसा भी रहता है, और यदि हम विश्वासी हैं तो ईश्वर हमारे कर्म का फल देता है, कर्म हम करते हैं और फल ईश्वर देता है, ऐसा वेदांतियों ने माना है। तो ऐसी स्थिति में जब कर्म का फल कर्म के बल से मिलता है ये मीमांसक मानते हैं, और ईश्वर के देने से मिलता है ये वेदांती मानते हैं। तो यदि कर्म का फल निश्चित ही है तो न तो ईश्वर गलती करेगा देने में, और न तो कर्म का कर्म करने पर
कर्म का फल मिलने में कोई त्रुटि हो सकती है। तो इच्छा करके हम अपने को क्यों बंधन में डाले, इसलिए पिष्ट पीषण बोलते हैं, पिसे हुए को पीसना, चर्बित चर्बा, इसलिए कर्म निर्वाधिकार से अपना कर्म को हम करते जाए और फल यदि कर्म से आने वाला है तो आने दें और ईश्वर देने वाला है तो उसको देने दें। हम अपने को बीच में से हटा लें और कर्म करते जाए। और ये जो निवृत्ति पर जो अत्यंत निवृत्ति पर अर्थ है वो शंकराचार्य भगवान ने लिया है, इस प्रसंग में तो नहीं है, दूसरे प्रसंग में वो कहते हैं कि काम जाना में के मूलम संकल्पात किर जाओ से, वो काम मैं तेरी जड़ जानता हूँ, वो संकल्प करने से आता है, पैदा होता है। संकल्प माने किसी चीज को बहुत अच्छी समझ बैठना, इस सृष्टि में ये वस्तु बहुत अच्छी है, सम्यक तो कल्पना, किसी चीज को बहुत बढ़िया समझ बैठना तो उसकी चाह हो जाएगी। और जब एक को बहुत बढ़िया समझेंगे हमारे मुंह से अपराधों की वर्षा तो नहीं होती। नहीं ठीक नहीं महाराज, तो हमारे काम न काम संकल्प ही से, जब किसी चीज को बहुत बढ़िया समझ के हम चाहेंगे तो दूसरे का त्याग अपने आप होने लग जाएगा, तो फिर राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए न काम संकल्प इश्यामी से न भविष्य से, इसलिए मैं संकल्प ही नहीं करूंगा कि मुझे ये मिले ये मिले ये बहुत बढ़िया है, तो उसके राग द्वेष दोनों की निवृत्ति हो जाएगी। इसी प्रसंग में वो ब्राह्मण का उपाख्यान दिया है उन्होंने, एक मंकी नाम के ब्राह्मण थे, तो उन्होंने सोचा कि अब हम तो ब्रह्मचर्य से रहते हैं और शिक्षा नाम के खाते हैं, तो इससे अच्छा तो ये होगा कि हम स्वयं कोई सी खेती कर लें, अपने परिश्रम से पैदा करेंगे, जैसे चित्रकूट में एक ब्रह्मचारी से राम नारायण जी, तो उनके पास खेत था, उसी में जो पैदा होता था उसी से अपना एक वर्ष वो गुजारा करते थे और खेती में लगे रहते थे। तो ब्राह्मण का मन हुआ कि हम खेती करेंगे, तो वो दो बैल ले आया कहीं से, और दो बैल लेके आया, उनको जोड़ के ये परस्पर एक दूसरे को छोड़ दिया घास करें। अब वो दोनों बैल बेचारे घास चर के और बैठ के वो कर रहे थे जुगाली रोमन भागो। इसी बीच में एक ऊंट उधर से भागता हुआ आया और दोनों के बीच में जो रस्सी थी उसके भीतर अपना सिर डाल दिया और सिर उठाया तो दोनों बच्चे जो पछड़े थे बैल दोनों तरफ उसके लटक गए। तो देख के पहले तो मजा लिया उसने, मणि वो श्रस्य लंबे थे प्रिय वत्स तरव ममा। तो यहाँ संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से मणि इव नहीं हो सकता है, क्योंकि मणि जो वचन है तो ये उसमें घुसेगा नहीं, वहाँ वह शब्द का ही अर्थ इव है, ये बताने के लिए व्याकरण के ग्रंथों में इसको करें। अब वो कहते हैं वहाँ की अकामस्य क्रिया काचित विद्यते में परिचय, ब्रह्मचारी जी आपके मन में कामना आ गई थी, क्योंकि बिना कामना हुए आप इस कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। जब जब दिल गुरुते जंतु तब तक कामस्य चेष्टतम, जहाँ जहाँ प्रवृत्ति होती है वहाँ वहाँ काम का किंचित अंश अवश्य आ जाता है, इसलिए अब ये सब छोड़ के हमको सन्यासी हो जाना चाहिए, निवृत्त हो जाना चाहिए, खेती गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ही कथा महाभारत के शांति पर्व में है और शंकराचार्य में गीता में ये श्लोक तो कई बार उद्धृत किया है, अकामस्य क्रिया काचित विद्यते में परिचय। तो इसमें कर्म का क्रम ऐसे बैठता है, हम जोड़ देते हैं कि निकम्मापन तो नितांत तमोगुण है, उसमें तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। अच्छा, अब जब कर्म करने लगे तो निषिद्ध कर्म करने लगे, चोरी जारी व्यभिचार हिंसा, तो उसमें भी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं है,
क्योंकि उसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष किसी की भी सिद्धि नहीं होगी। चोरी जारी हिंसा जो है वो पुरुषार्थ को वंचित ही कर देगी। इसलिए बुरे काम छोड़ करके वैसे भी देखने में आता है कि जो लोग निषिद्ध कर्म करते हैं उनके जीवन में यहाँ भी पुलिस का डर, टैक्स का डर, चोरी का डर, अपने भाई से डर, माता से डर, पत्नी से डर, दुख तो मानसिक ही होता है और जहाँ भय है वहाँ तो दुख ही है। तो बुरा काम करने वाले प्राय ही दुखी रहते हैं। इसलिए हमारा जो शास्त्रोक्त विहित कर्म है, विहित माने विधान से प्राप्त, जिसमें हित शब्द जो है वो धा धातु से बना हुआ है, हित का जैसे हिंदी में हित बोलते हैं वैसा नहीं है वो, तो विधान से प्राप्त जो है माने जैसे कहें कि गैर कानूनी काम मत करो, वैसे शास्त्र में जो विधि है विधान है उसके विपरीत काम मत करो। तो विहित कर्म करे, ये आ गई तीसरी कक्षा आ गई। अब जब विहित कर्म करने लगते हैं तो बारंबार नजर हमारी जाती है फल पर कि आगे क्या होगा। अच्छा, अब आगे की सोचने में पीछे का इतिहास जो है वो पूरा का पूरा दिमाग में भरता है। पहले ऐसा करने से ऐसा हुआ है तो आगे ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा होगा। तो उसमें एक तो मृत जो भूत है, मरा हुआ जो भूत है वो दिमाग में आता है, और एक जो बिना पैदा हुआ बेटा वो आता है दिमाग में। तो विहित कर्म करने में ये भूत न लगे और आगे के लिए झूठी कल्पनाएं न हो। ये काम के दो रूप, काम का दो रूप ये है कि एक तो वो भूत की परंपरा को कायम रखता है, भूत लगाए रखता है, और एक भविष्य के लिए भय उत्पन्न करता है, और वर्तमान में जो मोह है ये जो बना रहे इसके लिए मोह उत्पन्न कर। तो विहित कर्म में से यदि हम काम को निकाल दें तो वो कर्म शुद्ध हो जाता है। असल में निष्कामता ही अंतकरण की शुद्धि है। निष्काम कर्म करने से अंतकरण शुद्धि होगी ये तो एक चालाकी की बात है, क्योंकि जिस समय हम निष्काम हैं उस समय हमारा अंतकरण शुद्ध ही है। काम नहीं, कामना माने दूसरी चीज को लाकर अपने मन में भर देना। चोरी का माल अपने घर में रखना जैसे अपराध है, वैसे कामना के द्वारा किसी चीज को अपने चित्त में लाकर बसा लेना वो परस्त्री के समान है, परधन के समान है। जो लोग अंतःकरण शुद्ध रखना चाहते हैं उनकी दृष्टि से, और उन्होंने कहा अच्छा चलो हम काम नहीं लाते हैं मन में, निष्काम होके ही कर्म करते हैं। तो निष्काम होके कर्म करने पर कर्तापन जो है वो आ गया, और जब कर्तृत्व पूर्वक कर्म करेंगे तो कर्म का फल तो आवेगा ही, चाहे ईश्वर दे और चाहे कर्म दे, किया हुआ कभी परिणाम उत्पन्न, जहाँ स्पंदन होगा, जहाँ क्रिया होगी वहाँ परिणाम आवेगा। यदि हम हाथ चलाते रहेंगे तो हाथ थक गिर जाएगा। तो किसी कोई भी कर्म बिना परिणाम का तो होगा नहीं। तो अब कर्म में जो कर्तृत्व पूर्वक कर्म करने से जो फल आएगा उसके आ जाने पर स्पृहा हो जाती है, माने भोग को आ जाता है कि इस कर्म का मैं भोग करूंगा। अब इसमें भी एक तो निष्काम भाव से कर्म करना और एक समाधि लगाना, संपूर्ण वृत्तियों का निरोध करके, वही जो है गीता में कर्मण्य कर्मज पश्येत अकर्मण्य कर्मज ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा उपस्थ हो विजेन्द्रिय शांत होकर के युक्त होकर के बैठ गए नारायण, तो अकर्ता अभोक्ता होकर बैठ गए। अब प्रश्न यह है कि इसमें कर्तृत्व की और भोक्तृत्व की भ्रांति मिट चुकी है कि बनी हुई है। यदि बनी हुई है तो समाधि भी आसक्ति का हेतु होगी, बंधन का हेतु होगी। जिस समय शांत होकर नहीं बैठ सकेंगे उस समय उसके ढेला मारने लगेंगे, बाबा जी पागल हो जाएंगे,
कि आज हमको साधन करने का, आज शांति से बैठने का मौका ही नहीं मिला, उस दिन भी उनको विक्षेप होगा, अशांति होगी, हाँ आज भजन नहीं मिला। और यदि करेंगे तो चूंकि भ्रांति पूर्वक कर रहे हैं इसलिए उनको अभिमान होगा, तो अपने कर्तापन की भ्रांति का निवृत्त होना हेतु बना रहे, फल हेतु को मैं कर्म फल हेतु भी बने ही रहेगा। अच्छा, तो इसलिए कर्म फल हेतु भी नहीं बनना। अब रहा ये कि ये भ्रांति जो है ये कैसे टूटे। तो कई लोगों को अपने को व्यक्ति रूप से मैं भ्रांत नहीं हूँ ऐसी अभिज्ञा होती है कि ये तो कर्मी है, नरक स्वर्ग में जाएगा और मैं अकर्ता हूँ। जैसे सांख्य में यदि दृष्टापन का विवेक भी हो गया तो मुझे तो कर्म नहीं लगते हैं परंतु दूसरे जितने हैं उन सबको कर्म लगेंगे। तो क्योंकि साधारण व्यक्ति हूँ और सबको साधारण है और मैं कृतार्थ हूँ, तो कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम पदन्य साधारणत्वात्, जो विभाग वहाँ जाकर हो जाएगा कि मैं तो दृष्टा हूँ कर्ता नहीं हूँ और दूसरे जो हैं वो कर्ता हैं। अब जब वेदांत का जब बोध होगा महावाक्य से, तब बोध हो जाएगा कि असल में कर्ता तो कोई है ही नहीं, किसी का भी जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है वो अबाध्य है। पहली बात तो है कि सत्य है, मैं नहीं हूँ ये अनुभव कभी किसी को हो ही नहीं सकता। और दूसरे मैं ज्ञानाभाव रूप अज्ञान स्वरूप हूँ, ये अनुभव भी कभी किसी को नहीं हो सकता। तब जब कभी ऐसा एक अनुभव है जिसका लोग कभी और कहीं होना संभव ही नहीं है, मैं नहीं हूँ ये अनुभव होना कभी कहीं किसी के लिए भी संभव नहीं है, तो अनुभव के क्षेत्र में अपना अभाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब कहीं अपना अभाव नहीं है तो देश की अपरिच्छिन्नता तो स्वतः प्राप्त हो गई, और कभी अपने अभाव का अनुभव होना संभव नहीं है तो काल में भी अपनी अपरिच्छिन्नता प्राप्त हो गई। और जब देश से काल से हम परिपूर्ण हैं तो द्रव्य तो हमको परिच्छिन्न कर ही नहीं सकता। इसलिए सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म में जो ये लक्षण है, सत्यम ज्ञानम, ज्ञानम सत्यम, सत्यम ज्ञानम अनंतम, अनंतम ज्ञानम सत्यम, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ज्ञानम सत्यम अनंतम, अनंतम सत्यम ज्ञानम, तो ये जो सत्य ज्ञान अनंत आत्मा का बोध है ये बोध ही अंत को गत्वा परम नैष्कर्म की प्राप्ति का साधन होगा। नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। जब तक संन्यास, ये वर्णाश्रम वाला संन्यास नहीं है, ये आश्रम संन्यास नहीं है, ये ज्ञान संन्यास है। ज्ञान संन्यास है माने ज्ञान दृष्टि से जब तक अपनी अद्वितीयता का बोध नहीं होगा तब तक परम नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होगी। कर्मणों निष्क्रांतम होता है, कर्मणों निष्क्रांत जो कर्म से बाहर है कौन है, ब्रह्म है। निष्कर्म के भाव को ही निष्कर्म बोलते हैं। तो जब तक ब्रह्मा अपने आत्मा के ब्रह्मत्व की अनुभूति नहीं होगी तब तक ये अकर्मण्यता के दोष से लेकर के कर्तृत्व भोक्तृत्व पर्यंत जो दोष हैं उनसे नहीं छूटेगी, छूट नहीं सकते हैं। इसलिए त्रिगुण विषया वेदा निष्त्रिगुण्यो भवार्जुना, यहाँ तक की जावानर्थ मुद पानी सर्वतः संस्कृत के हीरा पायो गांठ गठवायो, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले।